हैं। अब बारी आ जाता है गाइस स्प्रिंग को, स्प्रिंग को कैसे फिट करना गाइस। जैसा कि देख पा रहे हैं स्प्रिंग पूरा ब्रेक को ठीक करने के लिए इस तरह से डिस्क बॉक्स को खोल लें कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अब चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। इसमें जो हम बॉल्स बता रहे थे गाइस, इसमें देखिए बॉल्स, 3 बॉल्स इसमें लगा हुआ रहता है। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं गाइस, फ्रंट ब्रेक को, ठीक है, छोड़ रहे हैं, फिर प्रेस कर रहे हैं, फिर हम ब्रेक को छोड़ रहे हैं। तो देखिए ब्रेक जो एकदम सही से काम कर रहा है गाइस, ब्रेक का मशीन जो है गाइस, डिस्क ब्रेक का जो बॉक्स है वो आपका सही से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी ब्रेक जो है अनलॉक लॉक दोनों ही हो रहा है, ठीक है गाइस। जब हम ब्रेक लीवर को प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक हमारा लग जा रहा है, जब हम लीवर को छोड़ रहे हैं तो वापस जो है ब्रेक भी हमारा छूट जा रहा है, ठीक है गाइस। इसके रिलेटेड में एक डियर सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किए थे, उनका कमेंट ये था कि राजू भाई हम अपना साइकिल का डिस्क ब्रेक को जो है जब जैसे ही हम लीवर को प्रेस किए तो हमारा जो है डिस्क बॉक्स जो है लॉक हो जा रहा, हमारा ब्रेक जो है लॉक हो जा रहा, फिर अनलॉक नहीं हो रहा जब हम लीवर को वापस छोड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या कारण है इसका, आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। सो गाइस उन्हीं का आधार पे हम ये वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम ब्रेक लीवर को प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक हमारा सही से काम कर रहा, जब हम लीवर को वापस छोड़ रहे हैं तो लीवर हमारा जो है वापस भी चला जा रहा, लेकिन अगर आपका साइकिल में वापस लीवर नहीं जाता है, लॉक होकर के रह जाता है ब्रेक, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आएगा। तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से स्टेप बाई स्टेप बताते हैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आएगा और कैसे करना है। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू जी में। सो गाइस अगर आप साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाले वीडियो है और हमारे इस चैनल पे साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो प्यारा सा एक लाइक कर दे गाइस, इससे हम मोटिवेट होते हैं और अदर दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाले वीडियो। गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम साइकिल से डिस्क बॉक्स को खोल लिए गाइस, डिस्क ब्रेक को, तो इसमें हम आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जैसा कि ये डिस्क पैड आप देख रहे हैं गाइस, तो डिस्क पैड देखिए गाइस ये आपका सही है, ठीक है गाइस, यानी जो है अभी चलेगा, डिस्क ब्रेक खराब नहीं हुआ। अगर आपका साइकिल का डिस्क पैड खराब हो जाता है तो डिस्क पैड आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप डिस्क पैड नहीं चेंज करवाते हैं तो ये लीवर का जो प्रेशर है गाइस ये आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है गाइस। तो इसके वजह से जो होता है कि यहाँ का जो अंदर में सिस्टम होता है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे, देखिए हम लीवर को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है गाइस, और ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए घूम रहा है, ठीक है गाइस। तो ये जो मैकेनिज्म है गाइस डिस्क ब्रेक का, तो ये क्या होता कि अंदर में जो है गाइस बॉल्स रहता, ठीक है, वो बॉल्स क्या होता कि एक दूसरे में चढ़ जाता है, ज्यादा गैपिंग होने की वजह से क्या होता कि बॉल्स जो है एक दूसरे में चढ़ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको खोल के भी दिखाएंगे। उसके बाद गाइस एक और क्या रीजन आता है गाइस, जैसा कि ये आप बोल्ट देख रहे हैं, ठीक है, डिस्क बॉक्स का अपोजिट साइड में आपको मिलेगा, सभी डिस्क ब्रेक में मिलेगा, ठीक है गाइस, सिर्फ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक छोड़ करके गाइस, ठीक है, सभी डिस्क ब्रेक में आपको इस तरह का नट दिया जाता है, जैसा कि देख पा रहे हैं 5 mm एलेंकी लगता है इसमें। तो ये जो नट है गाइस, ये नट किस काम में आता है, ये नट आपका जो है डिस्क पैड को एडजस्ट करने का काम आता है, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपोजिट साइड वाला जो डिस्क पैड है इसे आपको एडजस्ट करने का काम आता है, इस तरह से लगाना है। और ये देखिए हम टाइट करें, देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा एकदम डिस्क पैड सट गया गाइस, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। वापस जब हम जब खोल रहे हैं एडजस्ट नट को, तो ये देखिए डिस्क पैड हमारा गैप हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये जो नट देख रहे हैं गाइस एडजस्ट नट, ये कब काम में आता है गाइस, जब डिस्क पैड घिस जाता है, जब हमें कुछ दिन तक और चलाना पड़ता है तो ये एडजस्ट करके डिस्क पैड को सेटिंग करके मिलाया जाता है और डिस्क ब्रेक को हार्ड किया जाता है, फिर साइकिल को हम लोग चला सकते हैं ताकि ब्रेक अच्छे से लगे। तो इसके वजह से ये नट को दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसका काम ये रहता है, लेकिन गाइस कई बार क्या होता है कि हम लोग ये नट को पूरा ज़्यादा एकदम खोल देते हैं या फिर पूरा टाइट कर देते हैं, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे करके करना है। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आता है गाइस, जैसा कि ये डिस्क बॉक्स देख रहे हैं तो यहाँ सामने में एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है गाइस, ठीक है, स्प्रिंग। तो वो क्या होता है कि कई बार आप ये जो है एडजस्ट नट को ज़्यादा खोल देते हैं, ठीक है, डिस्क पैड, तो ये आपका ज़्यादा अंदर की ओर चला आता है। उसका जब आप ये लीवर को प्रेस करते हैं तो ये आपका जा करके इस तरह से हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है, ठीक है गाइस, इस जगह में, यानी जो अंदर का बॉल्स होता है गाइस वो एक दूसरे में चढ़ जाता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। और एक जो प्रॉब्लम होता है गाइस कि अंदर में एक पत्ती दिया हुआ रहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम ये डिस्क बॉक्स को पूरा खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और फिर बताते हैं गाइस, और ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ठीक करना है।
जैसा कि देखे गाइस हम खोलते हुए आप लोग को दिखाएं डिस्क बॉक्स, देखिए हम अच्छे से खोल लिए गाइस, ठीक है, पूरा एक एक पार्ट को अलग कर दिए हैं। अब जो है गाइस मेन पार्ट इसका रह गया गाइस, ये जो लीवर काम कर रहा है जैसा कि देख पा रहे हो, तो ये लीवर को खोल के निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस तो सबसे पहले हम आप लोग को एक चीज़ और दिखाएंगे, जैसे हम लीवर को प्रेस कर रहे हैं गाइस, तो ये देखिए ये आपको ऊपर की ओर आ रहा है और लीवर को छोड़ने तो आपको नीचे की ओर चला जा रहा है, यानी अपना जगह में जा करके बैठ जा रहा है, ठीक है गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका जो मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसका जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब लीवर को भी खोलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। इसमें जो है गाइस लीवर खोलने के लिए 4 mm एलेंकी लगेगा, ठीक है गाइस, 4 mm एलेंकी लगेगा। तो ये जो नट आप देख रहे हैं गाइस लीवर के पास में, ये नट को आपको जो है लूज़ करना, ठीक है, हल्का हल्का लूज़ करना है इस तरह से, ये देखिए हल्का हल्का लूज़ करेंगे तो ये देखिए नट आपका खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नट हमारा खुल गया गाइस। उसके बाद क्या करना है, ये लीवर को हमको बाहर निकालना, ठीक है गाइस, हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे ऊपर की ओर, तो ये देखिए निकल गया। और गाइस देखिए इसमें एक आपका स्प्रिंग लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये है गाइस आपका मेन स्प्रिंग, और इसी पर सारा ब्रेक जो है फंक्शन काम करता है, ठीक है गाइस। अब ये स्प्रिंग को आपको सही से फिट करना होगा, लेकिन गाइस अब आप ये डिस्क ब्रेक का लीवर को खोलेंगे गाइस, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना कि हम खोल किस तरह से रहे हैं और फिटिंग किस तरह से होगा, ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको खोलना है। सो गाइस तो आप चलिए इसमें बताते हैं ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा। जैसा कि देख पा रहे गाइस हम स्प्रिंग अलग कर दिए, इसमें और कुछ है नहीं गाइस, ठीक है। आप देखिए गाइस हम आप लोग को दिखाते, देखिए जैसे कि हम इसको घुमा रहे गाइस, ये लीवर को देखिए ऊपर की ओर जा रहा, फिर छोड़ दे, फिर नीचे की ओर आ जा रहा, जैसा कि देख पा रही है, देखिए अब देखिए हम आपको अपोजिट साइड में दिखा रहे हैं, देखिए जैसा कि आप देख पा रही है, देखिए ये देखिए। अब चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं, इसमें जो हम बॉल्स बता रहे थे गाइस, इसमें देखिए बॉल्स 3 बॉल्स इसमें लगा हुआ रहता है, देखिए जैसा कि हम पूरा सिस्टम को बाहर निकाल दिए गाइस, इसमें देखिए एक बॉल्स आपका जो इसी पर लगा हुआ है और एक बॉल्स देखिए गाइस आपका नीचे में है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारा फंक्शन गाइस आज हम आप लोग को डिस्क ब्रेक का दिखा दिए खोल करके। अब इसको हम फिट करके दिखाएंगे और ये प्रॉब्लम का सलूशन सबसे पहले आप लोग को हम क्लियर करते हैं। सो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉल्स को निकालते हैं गाइस, ये बॉल्स का साइज जो है गाइस आप लोग को हम बताते हैं। देखिए गाइस इसके साथ में ये पत्ती भी बाहर आ गई, ठीक है गाइस, इसमें जो एक पत्ती रहता है जैसा कि हम आप लोग को फर्स्ट में बताएं गाइस अंदर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम इसी तरह से काम करता है गाइस, और ये रहा ये पत्ती, ठीक है गाइस। तो कई बार क्या होता है गाइस कि ये पत्ती जो है अंदर में सही से बैठ नहीं पाता, ये आपका शुरू से कंपनी का प्रॉब्लम होता है गाइस, ये सभी डिस्क बॉक्स में नहीं होता है, कोई कोई बाय द वे डिस्क बॉक्स में ही होता है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गाइस सिस्टम, तो यहाँ पर आपको इस तरह से बॉल्स को डायरेक्टली फिट कर देना है, थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है, ठीक है गाइस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रीस लगा दें ताकि अच्छे से वर्क करे, ठीक है गाइस, इस तरह से कर लेना है। सो गाइस आपको क्या करना है, ये पत्ती को जो है गाइस हटा देना है, उसके बाद आपको डिस्क बॉक्स को अच्छे से फिट करना है, फिर आपको देखना है अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है गाइस लोकेट का प्रॉब्लम, तो एक चीज़ का आप लोग को काम करना है, ये जो डिस्क पैड आप देख रहे हैं गाइस, तो डिस्क पैड अगर आपका घिस चुका है तो चेंज कर देना, अगर नया ही डिस्क पैड है, न्यू साइकिल है, न्यू साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, तो ये डिस्क बॉक्स में जो गाइस एक और रीज़न आता है गाइस, ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ठीक है गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं जो लीवर जो ब्रेक में काम करता है, तो ये लीवर का जो थ्रेड होता है गाइस, यहाँ का जो घाट बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें गोली रोटेड होता है, तो ये आपका कम बेसी होने का कारण से ये प्रॉब्लम होता है गाइस। तो इसका कोई सलूशन नहीं है गाइस, इसका एक ही जो सलूशन है गाइस, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, ये पत्ती को हटा करके अगर आप डिस्क बॉक्स को अच्छे से फिट करते हैं और फिर वर्किंग करते हैं, ब्रेक को लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, अगर सही से काम कर गया तो ठीक है गाइस, अगर नहीं किया तो ये जो आप देख रहे हैं मेन लीवर का प्रॉब्लम होता है गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, डिस्क बॉक्स को पूरा एकदम आपको चेंज कर देना है, इसका प्राइस आपको ही 450 रुपये का लमसम में आएगा, 450 रुपीज़ का अंडर में आपको जो है आ जाएगा, आपको पूरा डिस्क बॉक्स को चेंज कर देना है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गाइस मेन जो प्रॉब्लम होता है गाइस हम आपको बता दिए गाइस, अगर ये पत्ती हटाने से अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है गाइस, अगर ये पत्ती हटाने से नहीं हो रहा तो फिर ये चीज़ का आपको प्रॉब्लम होता है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है गाइस एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, पूरा डिस्क बॉक्स आपको लगा लेना है गाइस, ये जो प्रॉब्लम है गाइस आपका सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस तो हमारा इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था गाइस। तो अब चलिए हम आप लोग को फिट करते हुए दिखाते हैं और बताते हैं गाइस, जिस तरह से आप खोलेंगे उसी तरह से आपको फिट करना एकदम ईजिली आसान तरीके से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कुछ भी उलट फेर नहीं करना है, जिस तरह से खोलेंगे वो चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए खोल लेना है, एकदम आसानी से उसी तरह से फिट भी हो जाएगा। तो चलिए आप फिट करते हैं।
देखिए हम सारा काम कंप्लीट कर दिए गाइस, इतना सामान जो है, इतना पार्ट्स जो है डिस्क में हम फिट कर दिए हैं। अब बारी आ जाता है गाइस स्प्रिंग को, स्प्रिंग को कैसे फिट करना गाइस। जैसा कि देख पा रहे हैं स्प्रिंग जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक होल रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये होल में जो गाइस आपका बड़ा वाला इस तरह से फिट होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लीवर को लेना, लीवर में देखिए एक आपको होल मिलेगा, ठीक है गाइस। उसका जो है ये जो छोटा वाला जो आप नीड देख रहे हैं जो निकला हुआ गाइस, ठीक है, लेंथ निकला हुआ स्प्रिंग का, तो ये लेंथ को क्या करना। सो गाइस ये लीवर को फिट करने से पहले आपको क्या करना है, अपोजिट साइड के जो एडजस्ट नट रहेगा इसे आपको फुल टाइट दे देना है, ठीक है गाइस, ताकि एक दूसरे में जो है डिस्क प्लेट सट जाए, ठीक है गाइस। और यहाँ पर ये जो दबाव मिले, फोर्स मिले और ये सही से आपका फिट हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि देखें, ये देखिए हम जो है इस साइड एडजस्ट नट को जो सही से फुल टाइट एकदम दे दिए और डिस्क प्लेट आपस में सट गया है और यहाँ पर ये दबाव मिलेगा तो ये सही से फिट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा गाइस कि अंदर की ओर चला जाएगा और फिट नहीं होगा। तो ये चीज़ को आपको पहले ध्यान से कर लेना है। उसके बाद गाइस ये करना, देखिए उसके बाद जो गाइस एक चीज़ हो रहा है, आप लोग खोल कर देखिए यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे गाइस, ठीक है, लीवर में यहाँ पर देखिए एक घाट बना हुआ, ठीक है गाइस। ये घाट जो है गाइस, ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं, जो लंबा वाला जो बोल्ट था गाइस लीवर का, ये बोल्ट का जो ये घाट आप देख रहे हैं तो सेम घाट है गाइस। तो ये दोनों आपस में इस तरह से बैठेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको जो पहले हॉल में जो फिट कर लेना, ठीक है गाइस। ये देखिए हम हॉल में फिट कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह करते हुए आपको जो है अंदर की ओर प्रेस करना है, ठीक है गाइस। ये देखिए हम अंदर की ओर प्रेस किए, ठीक है गाइस। तो ये देखिए हमारा जो है लीवर फिट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद गाइस जो ये आपको 4th mm का जो नट रहेगा गाइस, उसे आपको इस तरह से हाथ से टाइट करना है, ठीक है गाइस। हाथ से जितना हुआ उतना टाइट करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ताकत ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको सही से पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको छोड़ना नहीं, इस तरह पकड़ के रखने के बाद इस तरह से एलन की स्पैनर से नट को जो है आपको फुल टाइट देना, ठीक है गाइस। इस तरह से देखिए ये नट को आपको फुल टाइट इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से रखना आपको, और इस तरह से आपको फुल टाइट देना है। ये देखिए हमारा जो है आपका फुल टाइट हो गया गाइस। अब क्या करना है, ये जो एडजस्ट नट आप टाइट किए थे गाइस, ये नट को आपको खोलना है, ठीक है गाइस, इस तरह से, ठीक है। इतना जितना पे ये नट आपका एडजस्ट किया हुआ रहेगा, ये चीज़ को पहले देख लेना, उसके बाद आपको ये नट को टाइट करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको उसी हिसाब से एडजस्ट पर नट को रख देना है, ठीक है गाइस, छोड़ देना है मिला करके। ये हो गया गाइस आपको क्लियर। आप देखिए गाइस ये जो डिस्क बॉक्स है, हम पूरा खोल के आप लोग को दिखा दें, पूरा फिट करते दिखा दें। आप ये लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ हम आप लोग को दिखाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये देखिए जैसा कि देख पा रही है, देखिए लीवर एकदम सही से काम कर रहा है गाइस, ठीक है। तो आप लोग को हम एक चीज़ कहेंगे गाइस, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें तो अच्छा बात है, अगर आप बीच में कहीं पर भी स्किप किए हैं तो फिर आपको जो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो फिर से अगर होगा तो एक बार वीडियो को देख लें, उसके बाद आप अपना साइकिल का डिस्क बॉक्स को खोले और रिपेयर करें गाइस, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आता है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, पूरा मार्केट से आपको खरीद के लाना है गाइस, साइकिल शॉप में आपको आसानी से अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको साइकिल शॉप में नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप डिस्क बॉक्स को खरीद सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस, डिस्क बॉक्स जो है एक प्रकार का नहीं आता है, 3-4 प्रकार का डिस्क बॉक्स आता है, ठीक है गाइस। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू से खरीदते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है गाइस, थोड़ा सा इसमें हमारा भी जो बेनिफिट हो जाएगा, आपको सामान का जो प्राइस है वही लगेगा। तो हमारा लिंक को यूज़ कर ले, अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कुछ भी हो, घर का हो या फिर स्पेयर पार्ट्स हो, कुछ भी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप हमारे लिंक को यूज़ कर ले। अगर आपका सेम डिस्क बॉक्स है गाइस तो उसका भी जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से बता दिया, डिस्क बॉक्स में अगर ये प्रॉब्लम होता है गाइस, लीवर जो है लॉक अनलॉक नहीं होता है, लॉकेड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है गाइस, हम आप लोग को लास्ट और आखिर में बताना चाहेंगे गाइस। अगर होगा तो आप डिस्क बॉक्स नया चेंज कर दें, नया लगवा लें, ज़्यादा बेस्ट रहे। लास्ट और आखिर में एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये जितना भी नट आप खोलेंगे गाइस, सभी नट को एकदम प्रॉपरली फुल टाइट देना है, सिवाय ये एडजस्ट नट का गाइस, सभी नट को एकदम फुल टाइट देना, जरा सा भी लूज नहीं रखना है।